अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस कर रहे थे डिवीजंस ऑफ नर्वस सिस्टम। थैलेमस और हाइपोथैलेमस को हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम देखेंगे सेरेब्रम। फोर ब्रेन के अंदर जो लार्जेस्ट पोर्शन है, ये देखें, ये सारा लार्जेस्ट जो पोर्शन है ये क्या है, सेरेब्रम। लार्जेस्ट पोर्शन, सबसे जो ज़्यादा हिस्सा है जो वो किस पर मुश्तमिल होता है, सेरेब्रम पर। इसका फंक्शन क्या है, ये कंट्रोल करता है हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज़ को, जैसे कि स्केलेटल मसल्स कंट्रोल्स स्केलेटल मसल्स थिंकिंग इंटेलिजेंस एक्सेट्रा। फोर ब्रेन के अंदर सबसे जो बड़ा हिस्सा है वो किस पर मुश्तमिल है, सेरेब्रम पर। ये देखिए, यहाँ पे जितना भी हिस्सा ऑरेंज कलर के में है, ये सारे का सारा क्या है, सेरेब्रम। ये कंट्रोल करता है स्केलेटल मसल्स को, थिंकिंग को, इंटेलिजेंस को, और हमारे जो इमोशंस हैं उसको। सेरेब्रम को फर्दर अगर हम देखें इसका स्ट्रक्चर, तो इसमें हमें दो हिस्से जो है वो नज़र आते हैं। दो हिस्सों में इसको डिवाइड किया गया है। ऊपर अगर हम देखें अपर ऊपर वाले हिस्से से अगर, तो हमें इसके अंदर दो हिस्से नज़र आते हैं। ये दो हिस्से जो हैं ये क्या कहलाते हैं, हेमीस्फियर्स कहलाते हैं। हेमी का मतलब यहाँ पे क्या है, हाफ, स्फीयर कहते हैं सर्कल को। इनके ये जो अगले हिस्से हैं ये क्या हैं, ये ऑल्फैक्ट्री बल्ब्स हैं। ऑल्फैक्ट्री बल्ब्स कहलाते हैं। सेरेब्रम के अंदर फर्दर दो हिस्से हम देखते हैं, दोनों ये हिस्से क्या कहलाते हैं, हेमिस्फीयर्स। हेमी का मतलब क्या है, हाफ स्फीयर यानी सर्कल, सर्कल से बने हो लेकिन हाफ होंगे। इनके अगले हिस्से जो हैं ये क्या हैं, ऑल्फैक्ट्री बल्ब्स कहलाते हैं। ऑल्फैक्ट्री बल्ब का काम क्या होता है कि ये नर्व इम्पल्स को रिसीव करती है, रिसीव नर्व इम्पल्सिस। इसने नर्व इम्पल्सिस को ऑल्फैक्ट्री नर्व से रिसीव करना है। ऑल्फैक्ट्री नर्व्स काम क्या है, इनके अगले हिस्सों का, ये जो ऑल्फैक्ट्री बल्ब्स हैं ये ऑल्फैक्ट्री नर्व से ऑल्फैक्ट्री इम्पल्सिस को रिसीव करेंगी, जो कि हमें किसकी सेंसेशन देंगे, सेंसेशन ऑफ स्मेल। स्मेल की सेंसेशन के लिए हमारे ब्रेन के अंदर कौन से पार्ट्स हैं, ऑल्फैक्ट्री बल्ब्स। इसके ऊपर जो तय होती है उसे बोला जाता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स। हेमिस्फीयर जो है इसके ऊपर अपर लेयर, जो ऊपर वाली जो तय होगी वो क्या होगी, सेरेब्रल कॉर्टेक्स होगी। सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर ग्रे मैटर मौजूद होता है, कंसिस्ट्स ऑफ ग्रे मैटर। ऊपर वाली जो तय होगी वो क्या होगी, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, और इसमें क्या चीज़ होगी कि ग्रे मैटर। इससे नीचे अगर हम देखें तो क्या होगा, वाइट मैटर। बीनीथ सेरेब्रल कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के नीचे अगर हम इनका स्ट्रक्चर देखें
तो इसमें ये जो ग्रे मैटर है इसके अंदर हमें सेल बॉडीज और नॉन माइलिनेटेड पार्ट्स नज़र आते हैं। इसके अंदर क्या होती हैं सेल बॉडीज और नॉन माइलिनेटेड एक्सोन्स। वर्ड्स देखिए, यहाँ पे ये जो ऊपर जो तय है सेरेब्रल हेमिस्फीयर में, ये क्या है सेरेब्रल कॉर्टेक्स, इसमें ग्रे मैटर होता है और इसमें हमें क्या नज़र आती हैं सेल बॉडीज और नॉन माइलिनेटेड एक्सोन्स। उसके बाद नीचे की तरफ, इसके नीचे अगर हम देखें तो वाइट मैटर मौजूद होता है। वाइट मैटर जो है इसके अंदर माइलिनेटेड एक्सोन जो है मौजूद होते हैं। इस हिस्से के अंदर वाइट मैटर में हमें माइलिनेटेड एक्सोन्स नज़र आएंगे। इंटरनल स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो वाइट मैटर, उसके अंदर उसके अंदर माइलिनेटेड एक्सोन मौजूद होते हैं। उसके बाद सेरेब्रल जो कॉर्टेक्स है, सिंपल यहाँ पे देखें डायग्राम में, ये देखें सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ये फोल्ड हुआ है यहाँ पे, ये देखें। इसी फोल्डिंग की वजह से जो है ये ब्रेन के अंदर मुकम्मल तौर पर फिट हो जाता है ताकि डिफरेंट फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर सके। इस हिस्से को फर्दर फोर लोब्स में, फोर हिस्सों में डिवाइड किया गया है। फोर हमें इसके अंदर लोब्स नज़र आएंगी। पहली जो सामने की तरफ लोब होगी वो क्या होगी फ्रंटल, ऊपर की तरफ जो होगी वो क्या होगी पेराइटल, पीछे की तरफ जो होगी वो क्या होगी ऑसिपिटल, और यहाँ पे नीचे की तरफ जो होगी वो क्या होगी टेम्पोरल। अब हर लोब का जो है वो डिफरेंट फंक्शन है। पहले हम देखते हैं फ्रंटल लोब का क्या काम है। इसके अंदर जो फ्रंटल लोब है ये कंट्रोल करती है मोटर फंक्शंस को। कंट्रोल्स मोटर फंक्शंस, मोटर न्यूरॉन्स की तरफ जो पैगाम होगा मोटर न्यूरॉन्स के ज़रिए जिस हिस्से तक जाएगा उसको इसने क्या करना है कंट्रोल करना है। इसके अलावा ये जो है परमिट करती है कॉन्शियस कंट्रोल को, जो कि स्केलेटल मसल से रिलेटेड होता है। स्केलेटल मसल के अंदर जो मूवमेंट होगी इसको भी ये कंट्रोल करेगी। इसके अलावा ये मूवमेंट, उन मूवमेंट को के दरमियान भी कोऑर्डिनेशन जो है ये पैदा करते हैं जब हम बोल रहे होते हैं, कोऑर्डिनेट्स मूवमेंट्स वो ये मूवमेंट किस में होगी स्पीच में, जब हम बोल रहे होते हैं उसके अंदर हम देखा फेस में कुछ मूवमेंट होती हैं उसके अंदर भी इसकी क्या होती है कोऑर्डिनेशन होती है। नेक्स्ट आ जाती है पेराइटल लोब। ये सेंसरी एरियाज होते हैं जो स्किन से इम्पल्सिस को रिसीव करते हैं। सेंसरी एरियाज, इनका काम क्या होगा रिसीव इम्पल्सिस फ्रॉम स्किन। आपके ये जो सर है उसके ऊपर स्किन जो लगी हुई है वहाँ से जितनी भी सेंस इन्फॉर्मेशन होगी वो किसने रिसीव करनी है पेराइटल लोब रिसीव करेगी। ओसिपिटल लोब, ओसिपिटल लोब क्या करती है ये एनालाइज करती है और रिसीव करती है विजुअल इन्फॉर्मेशन को, दिखाई देने से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो किसने पहले रिसीव करनी है उसको एनालाइज करना है हॉस्पिटल लोब ने। उसके बाद है लास्ट पे टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब का जो कंसर्न है वो होता है हेयरिंग के साथ और स्मेल के साथ। साइड बॉक्स पे ब्लू लाइंस में डेफिनेशन भी लिखी हुई है हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस जो है ये एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो सेरिब्रम जो है इसकी गहराई में होता है। ये सेरिब्रम है, इसके अंदर गहराई में एक स्ट्रक्चर होगा जिसे हिप्पोकैम्पस बोला जाता है। हिप्पोकैम्पस का काम होता है न्यू मेम
मेमोरीज की फॉर्मेशन करना, नई जो याददाश्त बनाना, ये जो काम होगा किसका होगा, हिप्पोकैम्पस का। अगर हिप्पोकैम्पस जो है किसी इंसान के अंदर डैमेज हो जाता है तो डैमेज होने के बाद वो न्यू मेमोरीज की फॉर्मेशन नहीं कर सकेगा। हाँ, पहले से डैमेज होने से पहले जो उसकी इंफॉर्मेशन होगी वो उसे याद रहेगी। यहाँ तक ये स्ट्रक्चर आपने याद भी करना है और इसकी पहले डायग्राम बनानी है, फिर इसको अच्छी तरह से याद भी करना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, फोर ब्रेन पे भी जो है ये आपका क्वेश्चन आ सकता है ना। तो अच्छी तरह से जो भी पार्ट्स समझा मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं, पहले उसको समझना है आपने अच्छी तरह से, फिर डायग्राम के साथ उसको लिखना भी है। अल्लाह हाफिज़।